हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 10 डिविडेंड एंड इंटरेस्ट की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट्स में से डिविडेंड पे किया जाता है। तो आपको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो द शेयर होल्डर्स, अभी ये जो है ना शेयर होल्डर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में पैसा, क्या सोचकर इन्वेस्ट करते हैं वो, इसके बदले में पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उन्हें उसके ऊपर रिटर्न चाहिए। रिटर्न चाहिए मतलब उनको अर्न करना है, इनकम अर्न करना होता है उनको, आउट ऑफ द प्रॉफिट्स वो रिसीव होता है उनको। तो यहाँ पे द शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट विद एन एम ऑफ अर्निंग रिटर्न्स आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी जो भी, जैसे बिजनेसमैन कैसे प्रॉफिट मोटिव के वजह से, वो प्रॉफिट वाले मोटिव के वजह से वो अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, उसी तरीके से शेयर होल्डर्स ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनको है ना उनको प्रॉफिट्स में से उनका शेयर, उनका हिस्सा उन्हें मिल जाए। तो इट इज दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, ये कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट होता है, वो हिस्सा होता है विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स इट्स शेयर होल्डर्स, उसके जो शेयर होल्डर्स हैं उनके बीच में ये बांटा जाता है जो डिविडेंड होता है वो। नाउ द शेयर होल्डर गेट डिविडेंड एज अ रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जो शेयर होल्डर्स है वो है ना अपने इन्वेस्टमेंट पे उनको रिटर्न जो मिलता है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। जो मतलब यहाँ पे है ना शेयर होल्डर्स जो कंपनी के होते हैं उनको जो भी है ना इन्वेस्टमेंट के ऊपर रिसीव होता है रिटर्न, वो डिविडेंड के नाम से जाना जाता है। नाउ द शेयर होल्डर्स बींग द ओनर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं कंपनी के, तो वो ओनर होते हैं एंड इज एंटाइटल्ड टू शेयर ऑफ entitled to a share in company's profits, company के profit में इसका हिस्सा लेने के लिए, profit का हिस्सा लेने के लिए वो लोग है ना उनको है ना हक है, क्योंकि वो owner होते हैं, वो लोग ultimate owners होते हैं company के share holders। Hence dividend is paid out of profits of the company, इसके लिए जो dividend है वो company के profit में से paid out किया जाता है share holders को। तो ये आप लोगों को जैसे है ना आंसर जब आप लिखते हो तो ये डिविडेंड होता क्या है वो लिखो, फिर आपको है ना लिखना होगा कि कहाँ से है ना किस आउट ऑफ कहाँ से दिया जाता है, तो वो फिर है ना पैसा इन्वेस्ट ही क्यों करते हैं शेयर होल्डर्स, तो वो इसी तो बेनिफिट के लिए डिविडेंड रिसीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं कंपनी में, उसके बारे में फिर आपको लिखना होता है। और जो ओनर शेयर होल्डर्स, जैसे कि हमने पढ़ा है कि ये लोग ओनर होते हैं कंपनी के, तो इसके बारे में फिर आपको ओनर्स ऑफ द कंपनी है करके इस तरीके से फिर आपको स्टेटमेंट्स है ना कम से कम है ना फोर स्टेटमेंट आपको है ना लिखने जरूरी हो जाते हैं एंड लास्ट में आपको हेंस डिविडेंड इज पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी इस तरीके से आपको स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। नाउ इंटरिम डिविडेंड कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स में से इंटरिम डिविडेंड पे नहीं किया जाता है तो आपको इसको जस्टिफाई करना है। तो इंटरिम डिविडेंड का मतलब, तो डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में, जो डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उसको हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। तो पहले तो आप इंटरिम डिविडेंड किसे बोलते हैं उसके बारे में लिखोगे, तो उसमें डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बीओडी है ना डिक्लेयर करता है इंटरिम डिविडेंड, और इंटरिम मतलब टू एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में ये डिविडेंड ये इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होता है। नाउ इंटरिम डिविडेंड इज पेड इन द मिडल ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि भाई साल के बीच में ये है ना मिडल में ये इंटरिम डिविडेंड पे किया जाता है, दैट इज बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स फॉर द ईयर, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स एनुअल बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनलाइज करने से पहले ये इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है। नाउ इट इज पेड बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ईयर एंड फ्री रिजर्व्स जो है आर द रिजर्व्स, ये वो रिजर्व्स होते हैं। फ्री रिजर्व्स कौन से रिजर्व्स होते हैं, तो आर द रिजर्व्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये रिजर्व्स अवेलेबल होते हैं एज पर द लेटेस्ट जो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट होती है कंपनी की, उसमें ये मेंशन रहता है फ्री रिजर्व्स आर द रिजर्व्स अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स एज पर द लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। एंड इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में होता है,
डिक्लेयर किया जाता है। तो इंटरिम डिविडेंड इज द ओनली अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ होल डिविडेंड फॉर द ईयर। तो इंटरिम डिविडेंड है उसका जो पेमेंट है वो इट इज ऑन अकाउंट ऑफ होल डिविडेंड के बिहाफ में ये इंटरिम डिविडेंड है ना दिया जाता है शेयर होल्डर्स को। इंटरिम डिविडेंड इज ओनली अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ होल डिविडेंड फॉर द ईयर, हैंस इंटरिम डिविडेंड जो है वो कैन नॉट बी पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। फ्री रिजर्व्स के बेसिस पे ये नहीं दिया जाता है। इट इज नॉट गिवन ऑन द बेसिस ऑफ फ्री ऑन इट इज नॉट पेड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। इंटरिम डिविडेंड इज ओनली अ पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ होल डिविडेंड फॉर द ईयर बट इट इज नॉट पेड आउट ऑफ द फ्री रिजर्व्स। नाउ एजीएम इज अ नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एजीएम इज क्रूशियल फॉर फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड के लिए एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग बुलाना जरूरी है, क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट। क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो यस इट इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। ये जो है फाइनल डिविडेंड जो है वो पोर्शन होता है, प्रॉफिट का हिस्सा होता है। तो इट इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी पेड टू इट्स शेयर होल्डर्स, जो कि है ना शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है। एंड डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर, कि डिविडेंड हम डिक्लेयर कर सकते हैं ओनली ऑन रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको रिकमेंड करते हैं तभी डिविडेंड है ना डिक्लेयर किया जाता है। एंड डिविडेंड एज रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं, इज अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय अ रिजोल्यूशन। और ये कैसे है ना वो लोग रिकमेंड करते हैं, तो इसके लिए है ना उनको अप्रूवल देना जरूरी होता है और उनको है ना रिजोल्यूशन पास करना होता है, मतलब डिक्लेयर्ड बाय अ रिजोल्यूशन पास एट। एंड ये जो रेजोल्यूशन है वो कब पास होता है, तो ये एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है शेयर होल्डर बाय द शेयर होल्डर्स, तो उस दौरान ये एजीएम के दौरान ये फाइनल डिविडेंड है ना ये पास होता है। तो यहाँ पर डिविडेंड फॉर एनी प्रीवियस ईयर, पिछले साल का डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वंस द ईयर्स एनुअल अकाउंट हैज बीन अप्रूव्ड इन द एजीएम। एक बार अगर है ना एनुअल अकाउंट अप्रूव हो गया प्रीवियस ईयर का, तो वो है ना करंट ईयर में हम है ना एक बार कंप्लीट हो गया तो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता है। देन फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड, जो फाइनल डिविडेंड होता है वो डिक्लेयर किया जाता है एंड पे किया जाता है आफ्टर द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जब एक बार फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, मतलब 31 मार्च को जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है, तो उसके बाद में ये जो फाइनल डिविडेंड है वो डिक्लेयर होता है। क्योंकि देखो फाइनेंशियल ईयर आप सभी जानते हैं 31 मार्च ईयर एंडिंग है कंपनीज का, तो 31 मार्च के बाद में है ना बैलेंस शीट वगैरह सब तैयार होने के बाद में जो प्रॉफिट्स है आउट ऑफ द प्रॉफिट्स फाइनल डिविडेंड है ये एजीएम में डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डिक्लेयर करते हैं। नाउ हेंस एजीएम इज अ, इसलिए हम बोलेंगे कि एजीएम इज क्रूशियल फॉर फाइनल डिविडेंड। इसके लिए जो एजीएम है एनुअल जनरल मीटिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, फाइनल डिविडेंड के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको इस आंसर को लिखना होगा, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग में ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना वो रिकमेंड करते हैं एंड डिक्लेयर करते हैं डिविडेंड को। और एक बार उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो वो फिर स्टेप अप पीछे नहीं ले सकते, पीछे नहीं हट सकते, वो डिक्लेयर कर दिया तो फिर देना ही पड़ेगा डिविडेंड उनको। तो ये इस तरीके से आपका ये आंसर होना चाहिए। एटलीस्ट 4 स्टेटमेंट्स आपको है ना एक्सप्लेन करते हुए लिखना है एंड लास्ट फिर आप हेंस एजीएम इज क्रूशियल फॉर फाइनल डिविडेंड इस तरीके से आंसर लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर लिस्टेड कंपनी हैज टू फॉलो एडिशनल गाइडलाइंस ऑन डिविडेंड मैटर्स। तो डिविडेंड मैटर्स पे डिविडेंड के बातचीत पर ये जो एडिशनल गाइडलाइंस लिस्टेड कंपनी को फॉलो करनी होती है, तो ये हमें जस्टिफाई करने के लिए लिखना है कि भाई आपको इस आंसर स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है। तो वेयर अ कंपनी शेयर्स आर लिस्टेड, जहां पर कंपनी के शेयर्स लिस्टेड होते हैं, जिस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, एडिशनल रिक्वायरमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू लिस्टिंग अग्रीमेंट्स, लिस्टिंग अग्रीमेंट्स के मस्ट बी फॉलोड लाइक। तो वो अग्रीमेंट्स किस तरीके से फॉलो करना होता है, तो पहला पॉइंट है कि नोटिफाई स्टॉक एक्सचेंज वेयर, आपको मतलब इन्फॉर्म करना होगा स्टॉक एक्सचेंज को कि वेयर कंपनी सिक्योरिटीज आर लिस्टेड एटलीस्ट 2 डेज इन एडवांस, 2 दिन एडवांस में वो लिस्ट किए गए ऑफ द डेट ऑफ मीटिंग, मीटिंग के डेट ऑफ बोर्ड, बोर्ड मीटिंग के डेट के 2 दिन पहले ही एडवांस में वो है ना लिस्टेड किए हुए हैं। एट विच रिकमेंडेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड इज टू बी कंसिडर्ड, जहां पर है ना एनुअल ये जो फाइनल डिविडेंड है वो कंसिडर डिक्लेयर किया जाएगा, रिकमेंड किया जाएगा। नाउ
इंटीमेट स्टॉक एक्सचेंज, उन्हें ना इंटीमेट करना होता है स्टॉक एक्सचेंज में, इमीडिएटली इमीडिएटली बताना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है अबाउट डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेरेशन को लेकर आफ्टर द बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग होने के बाद में जो डिविडेंड डिक्लेयर होने वाला है, कितना टका का डिविडेंड कंपनी दे रही है तो एक शेयर के पीछे, तो वो सारी डिटेल उनको है ना इमीडिएटली उनको स्टॉक एक्सचेंज में जहां पर वो लिस्टेड किया हुआ है वहां पे नोटिफाई करना जरूरी होता है, बताना जरूरी होता है। देन क्लोज गिव नोटिस ऑफ बुक क्लोजर, बुक क्लोजर का नोटिस देना होता है स्टॉक एक्सचेंज को एटलीस्ट 7 वर्किंग डेज बिफोर द क्लोजर। क्लोजर के मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट जो क्लोज करने के 7 दिन पहले, वर्किंग डेज बिफोर उसके 7 दिन पहले ना, 7 वर्किंग डेज में, वर्किंग डेज किसे बोलते हैं, 7 वर्किंग डेज का मतलब है कि जितने भी पब्लिक हॉलीडेज है और सैटरडे संडे है वो इसमें है ना काउंट नहीं होता है, पब्लिक हॉलीडेज एंड सैटरडे संडे नहीं, और फिर जो वर्किंग डेज है तो टोटल 7 वर्किंग डेज में ये क्लोजर के पहले, क्लोजर के 7 दिन पहले, वर्किंग डेज के पहले ये नोटिस है ना देनी जरूरी होती है स्टॉक एक्सचेंज में। देन क्लोज द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड ट्रांसफर रजिस्टर, जो रजिस्टर है मेंबर्स रजिस्टर जिसमें ना मेंबर्स के बारे में पूरी डिटेल लिखी होती है वो, एंड अगर कोई ट्रांसफर किया है तो वो रजिस्टर को क्लोज करने करना ये भी उनके लिए कंपल्सरी होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर इट मस्ट यूज इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट, इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट जैसे ECS करना, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज जिसे हम बोलते हैं, और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जिसे NEFT बोला जाता है, एज अप्रूव्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI ने इसको अप्रूव किया हुआ है इन दोनों सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर को। देन लिस्टेड कंपनी हैज टू एक्सप्रेस, लिस्टेड कंपनी को एक्सप्रेस करना होता है, बताना होता है द डिविडेंड ऑन पर शेयर बेसिस ओनली, पर शेयर के हिसाब से, ऐसा नहीं कि कंबाइनली बता दे भाई एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड, 2 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, 3 रुपए का डिविडेंड मिल रहा है, 4 रुपीज का डिविडेंड मिल रहा है, ये उनको मेंशन करना होता है। तो लिस्टेड कंपनी को बताना जरूरी होता है कि भाई एक शेयर के पीछे, पर शेयर के पीछे कितना डिविडेंड वो दे रहे हैं। देन हैंस लिमिट लिस्टेड कंपनी हैज टू फॉलो एडिशनल गाइडलाइंस, इसके लिए जो लिस्टेड कंपनीज है उनको एडिशनल गाइडलाइंस फॉलो करने होते हैं ऑन डिविडेंड मैटर्स, डिविडेंड के मैटर्स पर, डिविडेंड की बातचीत पर उनको एडिशनल ये जो गाइडलाइंस है वो भी फॉलो करना मस्ट होता है। नाउ आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर इक्विटी शेयर गेट लास्ट प्रायोरिटी, इक्विटी शेयर्स को लास्ट प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब है ना यहाँ पर लास्ट उनको मौका मिलता है, डिविडेंड सबसे लास्ट में इनका नंबर आता है, मतलब डिविडेंड रिसीव करने में इनका नंबर सबसे लास्ट में। तो डिविडेंड क्या है, तो डिविडेंड इज अ शेयर इन मतलब डिविडेंड इज अ शेयर इन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी का जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है उसमें से हिस्सा होता है डिविडेंड, उसी का हिस्सा होता है, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का हिस्सा होता है, शेयर मतलब हिस्सा, यहाँ पर हिस्सा डिविडेंड का पार्ट होता है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का पार्ट होता है ऑफ द कंपनी टू विच द शेयर होल्डर इज एंटाइटल, जिसका हकदार होता है, शेयर होल्डर इस डिविडेंड को रिसीव करने का हकदार होता है व्हेन इट इज फॉर्मली डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी, जब कंपनी उसको फॉर्मली डिक्लेयर कर देती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिक्लेयर कर देते तो उसके बाद में इनका ये इनका हक है, ये उनको रिसीव होना जरूरी है। देन डिविडेंड इज पेबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स है जिन्होंने एक्चुअल में शेयर्स कंपनी के लिए हैं, होल्ड करते हैं, उनको ये डिविडेंड है ना दिया जाता है। देन प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स जो होते हैं कंपनी के, उनको फिक्स रेट पर डिविडेंड रिसीव होता है, जैसे है ना फिक्स रेट, फिक्स डिपॉजिट कैसे होता है, FD पे कैसे मिलता है पैसा, सेम उसी तरीके से है ना 10% वाले प्रेफरेंस शेयर्स, 12% वाला प्रेफरेंस शेयर्स तो उसी के अकॉर्डिंगली, 15% वाला प्रेफरेंस शेयर तो उसी के हिसाब से ये फिक्स रेट होता है, हर साल फिक्स रेट ऑफ रिटर्न एज अ डिविडेंड है ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर को रिसीव होता है। एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अभी इनको भी जो है ना डिविडेंड वो इक्विटी शेयर होल्डर से भी मिलता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को है ना लास्ट में बचा कुचा जो बच गया प्रॉफिट कंपनी के पास उसमें से फिर उनके लिए डिविडेंड डिक्लेयर होता है। तो एज पर द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की भाई प्रेफरेंस वर्ड इटसेल्फ टेल्स यू, प्रेफरेंस पहला
मौका प्रेफरेंस है ना मिलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ना। इक्विटी शेयर होल्डर्स विल गेट डिविडेंड फ्रॉम रेसिडुअल प्रॉफिट्स बचे कुछ में से, दैट इज आफ्टर पेइंग टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड एरियर्स ऑफ डिविडेंड। जो एरियर्स है डिविडेंड का जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलना जरूरी है, तो वो एरियर्स क्लियर करने के बाद में है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर आता है। हैंस इक्विटी शेयर्स गेट लास्ट प्रायोरिटी इन डिविडेंड, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इक्विटी शेयर्स को है ना लास्ट है ना मौका मिलता है, प्रायोरिटी मिलती है इन डिविडेंड, डिविडेंड में उनको उनका एज अ रिटर्न मिलने के लिए उनको लास्ट प्रायोरिटी दी जाती है। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। तो अभी इसके और है ना 3 जस्टिफिकेशन बाकी है, तो वो है ना मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपलोड करूंगी। तो तब तक के लिए आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, एंड अकाउंट्स को है ना रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना है, एक्सपर्टाइजेशन लाना है, एक्सपर्ट बनना है, तो आपको रोज प्रैक्टिस करना जरूरी है। एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आपको इसके लिए कोई भी पेमेंट नहीं करना, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, ये चैनल आप लोगों के लिए है, लाइफ टाइम फ्री चैनल है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।